की देवधार बलोह सेली साइगलू बहुत सी जगह से जो है टीमें यहाँ पे आई हुई है मैच खेलने के लिए। और ये दूसरा सेमीफाइनल देवधार की टीम जो है बल्लेबाजी करेगी और मंडी की टीम जो है गेंदबाजी करने आए। अमित कृपया थोड़ा आगे को गेंदबाज और बैट्समैन का जो है पूरा रिकॉर्ड ठीक ढंग से रखा जाए ताकि ये सेमीफाइनल चला हुआ है यहाँ पे पता क्या इस मैच की पहली गेंद धीरे से ड्राइव किया है और कोई भी मौका नहीं है लेने का। बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज और इसके साथ क्लीन बोल्ट गेंद वापिस लौट रहे हैं और उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं मनीष। स्कोर समझ दो सोनिया पे जो है बिना खाता खोले जो है पहली विकेट हासिल कर ली है मंडी की टीम ने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अमित की और हैट्रिक चांस है अमित का बहुत ही लाइन और लेंथ बहुत अच्छी और जिसके कारण दो कामयाबी हासिल कर चुके हैं अमित। चले आए हैं अभी तक जो है टीम का खाता नहीं खुला है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हैट्रिक चांस जो है इस वक्त अमित के पास। और इसके साथ जैसा कि मैंने कहा था कि हैट्रिक का चांस था और हैट्रिक जो हासिल कर चुके हैं और इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक अमित के नाम। गेंदबाजी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी अमन और ढेर से ड्राइव किया बड़ी सूझबूझ के साथ बैटिंग की अमन ने। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की अमित ने एक ओवर तीन विकेट कोई भी रन नहीं दिया इन्होंने मिडल ओवर। बॉलर नेम खन्ना और एक आसान कैच था लेकिन वहां पे कैच नहीं ले पाए फील्डर और मौका मिल गया बल्लेबाज को खाता खोला अपनी टीम के लिए। अगली गेंद अच्छी गेंद अच्छी फील्डिंग अच्छा ड्राइव किया था लेकिन कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन लेने का गेंद सीधी फील्डर के पास। अगली गेंद अच्छी गेंद ड्राइव करना चाहते हैं बैट्समैन लेकिन चूके
ही शानदार गेंदबाजी अभी तक मंडी की टीम के द्वारा। आखिरी गेंद एक फिर से मौका मिला बल्लेबाज को। अभी स्कोर एक रन है। बैट्समैन ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। अगली गेंद रेड मेरा ब्लू कलर का कब है उसका और इसके साथ चौथा झटका देवधार टीम को। किसी का फोन अगर गुम हुआ है तो हमारे पास है, वो कृपया यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से आकर ले सकते हैं। बैट्समैन नेम इसु जो है बल्लेबाजी करने आए हैं और बहुत ही शानदार स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाद छह रन के लिए। के डायरेक्टर दीप कुमार जी और उनके सहयोगी हमारे भेद जी यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए हैं इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। मैं आयोजक जो कमेटी है आयोजन कमेटी उसकी तरफ से इन दोनों का यहाँ पे मुख्य जो गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में इनका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और इन्होंने हिमाचल का नाम जो है केवल हिमाचल में ही नहीं मंडी का नाम नहीं बल्कि पूरे देश में जो है इन्होंने मंडी जिला की संस्कृति को पहुंचाया है और हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। आप लोग कई बार इनको फेसबुक पे भी देख सकते हैं और डेली जो है ये कुछ ना कुछ दो गेंदे से और बहुत ही शानदार स्ट्रोक गेंद छह रन के लिए सीमा रेखा के बाहर और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस ओवर के भी शेष। और आप लोग देख रहे हैं बहुत से लोग जो है इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और एक और शानदार छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत है देवधार टीम को। अगली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पे इस बॉल का LBW नहीं रखा है। यदि LBW रखा होता तो LBW बहुत से खिलाड़ी जो है आउट होके पेवलियन लौट चुके होते। और बहुत ही शानदार स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंद बीट हुए बैट्समैन कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास और स्कोर अभी भी 25 रन। धीरे से ड्राइव किया
अमित बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में इन्होंने हैट्रिक ली थी और अभी भी लाइन और लेंथ अच्छी रखते हुए अपनी गेंद का और धीरे से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी, एक रन का इजाफा उसको बढ़ता हुआ 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। और बाइट गेंद का इशारा, इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। अगली गेंद अच्छी गेंद, बीट हुए बैट्समैन बाइट, और बाइट गेंद का इशारा, इसके साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। छक्के बाउंड्री बाहर भाई, है तेज से सीधी सीमा के छक्के बाहर गई है, नहीं बजी है भाई, नहीं बजी है, यहाँ से दिखता है सीमा के छक्के बाहर गिरी है और इसके साथ 6 रन और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34 रन किस्माती। अगले गेंदबाज है अमन, कृपया फोन जो है खिलाड़ी बंद कर दें, नहीं तो आपके वो ओवर जो है कम कर दिए जाएंगे। और इसके साथ शानदार छक्का रन और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। कृपया जो ड्राइवर हैं वो कृपया अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने साइड से ही चलाएं और हेलमेट का खास ख्याल रखें। अमन की अगली गेंद अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास, स्कोर अभी भी 40 रन। और एक शानदार छक्का, और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। कोशिश तो बेचारे सारे फील्डर कर रहे हैं लेकिन गेंद काफी नीचे जा रही है, इसका थोड़ा टाइम लग गया है, थोड़ी बस भी आ गई है तो कृपया बस को जाने दें, कहीं ऐसा ना हो कि स्टंप आउट हो सकते थे लेकिन ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 46 रन। अगली गेंद अच्छी गेंद, बीट हुए बैट्समैन, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास, बड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद अच्छी गेंद, और इसके साथ क्लीन बोल्ड, बीट हो गए थे बैट्समैन और 18 रन गेंदबाज की तीसरी गेंद और क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे बल्लेबाज 6 बॉल में 18 रन। अमन बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम
अगली गेंद वाइड गेंद। अगली गेंद अच्छी गेंद खन्ना की, कोई भी मौका नहीं दिया उन्होंने बल्लेबाज को। दो गेंदे शेष। अगली गेंद फिर से थोड़े देख के जो है बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाज को। इसके साथ पेवलियन वापस जाना होगा बल्लेबाज को, और एक और झटका। इसके साथ खन्ना का ओवर समाप्त। नेम थोड़ा जल्दी जल्दी करें। इसके बाद फाइनल मैच भी होगा। देख लेना, नहीं तो साथ साथ को करा करना। तो नहीं कराई देना आज। नहीं तब फिर पूछा क्या करना। टीम और क्या खड़ी है दिल पर आसे क्या। हाँ ये थोड़ी नहीं है, थोड़ी नहीं ओपनिंग है। ये जाना बोलना था। ये टेक करना था ना। यार वहाँ कुछ खाले होना। कितना स्कोर हुआ ना। ये थी बस मतलब फाइनल स्कोर होना थे बिना। ठीक है बैटिंग नहीं करनी भाई ना। अपनी स्कूटी ली हूँ जिन्हें भी मनु हो जाएगा ना। पहली गेंद अच्छी गेंद, धीरे से ड्राइव किया लेकिन रन लेने का कोई भी मौका नहीं। चार रन सीमारेखा के बाद चार रन के लिए, और इसके साथ चौका। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। अगली गेंद अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास। अभी भी स्कोर जो है 51 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 6 रन और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 57 रन, 57 लॉस ऑफ 6 विकेट। एक रन का इजाफा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 और 6 रन। छक्का स्कोर बढ़ता हुआ और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। और 3 रनों का इजाफा। और इसके साथ रन आउट, एक और झटका देवधार टीम को। स्कोर 57 रन, 67 रन। बैट्समैन नेम अगली गेंद और बहुत ही शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। मेरे साथी कमेंटर स्कोर अगर बताएंगे कितना हो। 73। एक है दो गेंदे।
ਇੱਥੇ ਵਿਕਟ ਵੀ ਗਿਰੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੈਚ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਗੇਂਦ इसके साथ रन आउट एक रन का इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ जिससे एक रन के साथ 74 रन 75 रन चाहिए जीतने के लिए सेकेंड इनिंग की पहली गेंद अच्छी गेंद कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास और इसके साथ क्लीन बोल्ट पहला झटका मंडी टीम को और मंडी टीम ने भी कोर्ट देवधार टीम को जो है कि तीन सोहाती बल्लेबाज जो है शून्य पे आउट किए थे और एक शानदार छक्का साथ इस छक्के के साथ अपनी टीम का खाता खोला और गेंद सिवा नहीं 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 कुछ नहीं है कुछ नहीं है वो भाई कुछ नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है अच्छा स्ट्रोक था लेकिन वहां पे फील्डिंग जो है पेड़ों ने कर ली जिसके कारण कोई भी रन नहीं मिला एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 75 रन चाहिए जीतने के लिए दो गेंद शेष ध्यान है केवल एक गेंद है अभी एक गेंद एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन एक विकेट के नुकसान पे और गेंद जो है पेड़ में फंस चुकी है ऊपर पेड़ पे और एक शानदार छक्का इस छक्के के साथ तो बढ़ता हुआ 13 रन वहां पे कैच हो सकता है लेकिन वहां का फील्डर थोड़ा लेट हो गया दौड़ने के लिए और एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन अगली गेंद अच्छी गेंद बेट हुए बैट्समैन अगली गेंद अच्छी गेंद बैट्समैन जो है सीधा चौका छक्का ही मारना चाहता है अगली गेंद और इसके साथ ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 14 रन
एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी अभी तक सुबू के द्वारा। अगली गेंद, अच्छी गेंद, और एक शानदार छक्का। एक छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। गेंद में फंसी हुई, यहां से दिखाई दे रही है अभी गेंद। अगली गेंद, अच्छी गेंद, और बहुत ही तेज गेंद फेंक रहे हैं गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी। और बाल बाल बचे बैट्समैन, और इसके साथ ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 20 रन। चलो गेंदबाज नेम राहुल, गेंदबाजी करने आए हैं। चार और चौका, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। बाज अच्छा ने अपना खाता खोला चौके के साथ। काफी देर से जो है ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी, एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अगली गेंद, अच्छी धीरे से ड्राइव किया, कोई भी मौका नहीं रन लेने का, स्कोर अभी भी 25 रन। एक रन का इजाफा टीम के स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, और नो बॉल है। अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने नो बॉल पे मारने का। अच्छी गेंदबाजी। इसके साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26 रन, और जो टीम यहां से जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी, बलहो टीम के साथ होगा। दो टीम जीतेगी उसको एक मैच और खेलना पड़ेगा यहाँ पे। बॉलर नेम गेंदबाजी करने आए हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, प्रेशर बनाते हुए। गेंदबाज दोबारा
एक रन का इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। धीरे से ड्राइव किया और कोई मौका नहीं। और इसके साथ एक शानदार छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। बहुत स्ट्रोक पत्थर मारेंगे तो बाइक को लग सकती है वहां से। एक और से और एक और शानदार छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5। और इसके साथ एक चौका और चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। और वाइड गेंद, इस के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। और एक देखना है क्या होता है। 6 रन और छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। सिक्स बन चुके हैं इस टीम के 56। और ये तो शानदार छक्का और इसके साथ बहुत ही शानदार कैच कीपर के द्वारा और एक और झटका मंडी टीम को के स्कोर पर 62 रन। बल्लेबाजी करने आए हैं दो रनों का इजाफा भाई का, इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। और एक शानदार छक्का भाई छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। और अब कमेंट्री करने के लिए आ गए हम मेरे साथी दीप कुमार जी। आगे का चलो इस मैच का थोड़ा आगे के मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे दीप कुमार जी और वेद कुमार जी। और मेरा नोकू जी से निवेदन है कि एक और चेयर जो है यहाँ पे लाई जाए। एक रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। चार रन चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद अच्छी गेंद और डॉट बॉल अभी दो गेंदे से ऐसे अभी एक रन का इजाफा, एक रन दौड़ के पूरा किया और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72। तीन रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर छह गेंदों पे 3 रन चाहिए जीतने के लिए मंडी टीम को। बहुत ही अच्छा मैच जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को।
बॉलिंग करने को ना वो लिख रहे हैं यहाँ कुछ ये भी सी चार रन और इसके साथ मैच जीत चुकी है मंडी टीम। 8 विकेट से जो है ये मैच जीत चुकी है और अगला मैच फाइनल मैच होगा यहाँ पे जिसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे देव कुमार जी और वेद जी।